नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन सिंधी में। आज के वीडियो में मैं आपको डेंगी अर्ली सिम्टम्स, मतलब कि डेंगी फीवर के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती दिनों में जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, जो हमारी बॉडी हमें संकेत देते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ये जानना इसीलिए जरूरी होता है ताकि समय रहते अर्ली डायग्नोसिस हो पाए, अर्ली ट्रीटमेंट हो पाए, ताकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होने की संभावना काफी कम हो जाए। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो शब्द है इसका सही उच्चारण डेंगी होता है, लेकिन हम आमतौर पर इसे डेंगू बोलते हैं। जो डेंगी फीवर होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड टू सीवियर होते हैं। शुरुआती दिनों में माइल्ड होते हैं, धीरे धीरे करके इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। अर्ली सिम्टम्स जानने से पहले यह बात जानना जरूरी होता है कि जब भी हमें कोई इन्फेक्टेड मच्छर काटता है तो मच्छर के काटने के तुरंत बाद सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। 4 से 10 दिन के भीतर में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसे हमें पहचानना काफी जरूरी होता है। सबसे पहला सिम्टम होता है हाई फीवर, यानी कि तेज बुखार। ये जो बुखार होता है वो 101, 102 डिग्री फेरनहाइट से लेकर 104 डिग्री फेरनहाइट तक हो सकता है। दूसरा सिम्टम होता है सीवियर हेडेक। ये जो हेडेक होता है काफी सीवियर होता है, सिरदर्द होता है, खास करके जो आंख है उसके पीछे का जो भाग है वहां पर बहुत ही तेज सिरदर्द होता है। इसके अलावा ज्वाइंट पेन, यानी कि जोड़ों में दर्द, और मसल्स पेन, यानी कि मांसपेशियों में दर्द, जिस प्रकार से चिकनगुनिया में होता है, कोई भी वायरल फीवर में होता है, इस प्रकार से ज्वाइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होता है। ये जो सिम्टम्स है वो कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा नोजिया यानी कि जी मचलना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा लगना, फटिक यानी कि थकान महसूस होना, वीकनेस, कमजोरी, और स्किन रेशेस। जब भी फीवर होता है उसके 3-4 दिन के बाद स्किन पर रेशेस दिखाई देते हैं, कभी कभार वहां पर इचिंग भी मालूम होती है। तो इस प्रकार से अर्ली सिम्टम्स यानी कि शुरुआती संकेत दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से एक या फिर अधिक सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करनी है। आपको अर्ली डायग्नोसिस यानी कि जरूरत होने पर जो इसके टेस्ट होते हैं, जैसे कि कॉमन टेस्ट होता है सीबीसी टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, जिसमें WBC कितने हैं, कम हुए कि नहीं, प्लेटलेट्स कितने हैं, 1.5 लाख से कम हुए कि नहीं, वो पता चलता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो फिर इसके बाद एक टेस्ट किया जाता है कि जब भी डेंगी फीवर होता है तो हमारे शरीर में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनती है। तो जब भी हमारे शरीर में उसकी एंटीबॉडीज होती है तो ब्लड में दिखाई देती है, रिपोर्ट में आती है, तो पता चल जाता है कि अगर एंटीबॉडीज डेवलप हुए मतलब कि डेंगी फीवर हुआ है। तो जैसे कि अर्ली डायग्नोसिस होता है तो फिर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाती है तो हम लाइफ सेव कर सकते हैं, मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसीलिए ही कोई भी रोग हो, डेंगी नहीं लेकिन कोई भी रोग हो, अर्ली सिम्टम्स जानना काफी जरूरी होता है। तो यदि जानकारी डेंगी फीवर के अर्ली सिम्टम्स के बारे में, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट में पूछिएगा। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल है तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।